इमाम अहमद इब्ने हंबल एक बड़े शहर में तबलीग की नीयत से पहुंचे, कुदरती तौर पे लेट हो गए। इशा की नमाज जहां पढ़ने की नीयत थी वहां नहीं पहुंच सके, मस्जिद बंद हो चुकी है। पास से एक नान भाई गुजर रहा है, अब बुजुर्ग कहाँ से आए हैं, फलां जगह से आए हो, नाम अभी तारुफ नहीं हुआ, आप आइए, मुसाफिर मालूम होते हैं, मेरे घर चलिए। इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं मैं उस नान भाई कुलचा लगाने वाला, एक कुलचा लगाने वाला, जिन लोगों को हम कुछ समझते नहीं वो अल्लाह की बारगाह में कैसे कैसे मकबूल हो जाते हैं, यहाँ से देख लीजिए। इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं मैंने जितनी देर रात को उसके पास रहा, मैंने नोट किया ये मुंह में कुछ बोलता है, मुंह में कुछ पढ़ता है। मैं कहा क्या पढ़ते हो? कहता है मैं जब भी फारग होता हूँ ना मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। क्यों पढ़ते हो? मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के जब भी दुआ करता हूँ ना मेरी दुआ अल्लाह सुन लेता है, मेरी एक दुआ ऐसी नहीं जो अल्लाह ने नहीं सुनी हुई। हाँ 20 बरस गुजर गए हैं, एक दुआ करता हूँ लेकिन मुझे यकीन है मेरा रब मेरी वो दुआ भी पूरी करेगा। मेरे पास पैसा नहीं है उस मुल्क में जाने का, उस कस्बे में जाने का, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ मौत से पहले इमाम अहमद इब्ने हंबल की जियारत करवा दे। इमाम अहमद इब्ने हंबल रोना शुरू हो गए, कहा अल्लाह ने, मैं ही इमाम अहमद इब्ने हंबल हूँ, मेरे कान से पकड़कर मुझे तेरे घर में पहुँचा दिए। बताइए इंसान अल्लाह से मांग रहा है, जब अल्लाह से मांग रहा है तो क्या उसको ये वहम होना चाहिए अल्लाह नहीं सुनेगा? ये वहम दिल से निकालना है, हलूसे नीयत से। फिर दुआ की कबूलियत के अंदर एक जो बड़ा सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये भी है कि इंसान जितना सच बोलने वाला होगा उतनी जल्दी दुआ कबूल होगी, इंसान का रिज़क जितना पकीज़ा होगा उतनी जल्दी दुआ कबूल होगी। इसकी दलील क्या है? ये भी हदीस से साबित है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक बंदा खाना काबा के अंदर है, मुसाफिर है, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। जिन लोगों की दुआएँ कबूल होती हैं ना, ये भी बात याद रखें, मौजू असल में तवील, अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ इंशाल्लाह, उसके बाद तरावी पढ़ते हैं। जिन लोगों की दुआ कबूल होती है उनमें मुसाफिर शामिल है, उनमें मजलूम शामिल है, उनमें अल्लाह के फजल करम से हम रोज़ेदार शामिल हैं। रोज़ेदार की पूरे दिन की दुआ कबूल होती है, एक फजीलत ये अमूमी और दूसरी अफ्तारी के वक़्त की कबूल होती है, ये खसूसी फजीलत है। जब भी अफ्तारी का वक़्त हो कुछ देर कबल दुआ किया कीजिए ताकि अल्लाह ताला अफ्तारी के वक़्त की भी दुआओं को सुनता है। फिर जुम्मे के दिन अल्लाह ताला ने एक घड़ी रखी हुई है दुआ को सुनने की, फिर अजान और अकामत के माबैन अल्लाह ताला ने एक तवील मौजू है, जब मौका आया इंशाल्लाह तफसील बयान करेंगे। सिर्फ आप याद करें कि मौके क्या क्या हैं, अजान और अकामत के माबैन जो वक़्त है उसको दुआ के लिए मुख्तस करें, बारिश हो रही हो उसको दुआ के लिए मुख्तस करें दौरान बारिश भी। और फिर नबी करीम ने कहा कोई वालिद जब अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए दुआ करता है अल्लाह ताला और उसके माँ बहन कोई हिजाब नहीं होता, वालिदैन की दुआ लगती है, इसीलिए नबी करीम ने यह भी मना कर दिया कि अपने बच्चों को बद्दुआ ना दिया करो, आम बंदे के मुँह से निकल जाता दफ़ा हो जाओ, लानत है तुझ पर, इस तरह के अल्फाज जब मुँह से निकलते हैं नबी करीम ने कहा कई मरतबा कबूलियत का वक़्त होता है और अल्लाह ताला कबूल कर लेता है मुँह से ऐसा।